हड गुस्सा हुन जानते क्यों अखां ने पर आईयां नी क्यों गल चो लाउण नू सर्दियां। हे गाइज वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सारे? आई होप आप सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं हिडन जेम्स का एक सॉन्ग है, मतलब एल्बम है हिडन जेम्स, वो भी एपी ढिल्लो की। तो डिजायर के ऊपर आज हम करेंगे रिएक्शन और देखेंगे ये सॉन्ग कैसा है, क्योंकि यार एपी ढिल्लो जो है ना, मतलब यार इतने छाए हुए हैं एपी ढिल्लो, मतलब यार बाहर रह के भी ना इतने अच्छे अच्छे गाने दे रहे हैं और इंडिया वाले भाई रील्स पे रील्स बना रहे हैं, इतने मजे कर रहे हैं इनके गाने के ऊपर। टाइम पहले ही मतलब कंसर्ट भी चल रहा था तो उसमें भी बड़े मजे करे लोगों ने। करते हैं यार इसको पहले स्टार्ट करते हैं, तो बाद में आपसे बातें करेंगे अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुस्सा हुन जान दे क्यों अखां ने पर आईयां नी क्यों गल चो लाउण नू फिरदियां जो हत्थीं गानियां पईयां नी। छड्ड गुस्सा हुन जान दे क्यों अखां ने पर आईयां नी क्यों गल चो लाउण नू फिरदियां जो हत्थीं गानियां पईयां नी। क्यों बलां ने चुपिया तारी कोई गल ते दस मैनू, तैनू खुश होई नू वेखण दा कोई हल ते दस मैनू। छट गुस्सा हुन जान दे क्यों अखां ने पर आईयां क्यों गल चो लाउण नू फिरदियां जो हत्थीं गानियां पईयां। Man, मेरे दिल नू कुछ या हुंदा खारे हवावां थम हुईयां बेपरवाह जे चेहरे ने क्यों छड़ियां बेपरवाईयां नी क्यों गल चो लाउण नू फिरदियां जो हत्थीं गानियां पईयां नी। छड गुस्सा हुण जाण ते क्यों अखां ने पर आईयां नी क्यों गल चो लाउण नू फिरदियां जो हत्थीं गानियां पईयां नी। गुस्सा हुन जान दे क्यों अखां ने पर आईयां नी क्यों गल चो लाउण नू फिरदियां जो हत्थीं गानियां पईयां नी। शाम दा रंग क्यों लाल तेरे रंग नाल दा दसना तां हजे वी दस दे जे किस्सा किसे बुणे जाल दा ए सच जानी तेरी गल दी लाली मेरियां लालियां डाईयां ने क्यों गल चो लाउण नू फिरदियां जो हत्थीं गानियां पईयां नी। छट गुस्सा हुन जान दे क्यों अखां ने पर आईयां नी क्यों गल चो लाउण नू फिरदियां जो हत्थीं गानियां पईयां नी। छट गुस्सा हुन जान दे क्यों अखां ने पर आईयां नी क्यों गल चो लाउण नू फिरदियां। मैन गुरिंदर की आवाज़ जी है ना बहुत ही ज्यादा कैंट है यार। गुरिंदर भाई का मतलब मैं तो फैन हो गया, मतलब बहुत ही कैंट आवाज़। म्यूजिक बहुत प्यारा दिता, बहुत ही प्यारा म्यूजिक। एंड एंड सो ये था गाना, और गाना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था यार, मतलब इतना मज़ा आ गया ना। और शिंदा कालोन ने इसके लिरिक्स लिखे थे, तो शिंदा भाई मतलब यार गाने ऐसे ऐसे लिख कैसे लेते, मेरे को तो समझ नहीं आता, इतने तगड़े लिरिक्स थे इस गाने के। और ये गुरिंदर की आवाज़ है ना यार, मैं चाहता हूँ जैसे एपी ढिल्लो भाई का मतलब नाम है ना, मतलब है तो मतलब साथ में है, चलो यार तीनों मेंबर साथ में ही हैं, मतलब एक ही फैमिली के समझ लो, तो तीनों साथ में ही मतलब चीज़ें करके ला रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं ना। बट लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि यार जैसे गुरिंदर को भी उस तरीके का मतलब लोग मतलब जाने जैसे एपी भाई को जानते हैं, और शिंदा भाई भी इतने कैंट कैंट लिरिक्स लिखते हैं ना यार, मतलब क्या ही कहने, मतलब तीनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। गुरिंदर भाई की आवाज़ मेरे को अच्छी लगती है, और एपी ढिल्लो का मतलब यार क्या ही कहूँ यार, वो तो मतलब हर एक चीज़ में परफेक्ट। कि एपी ढिल्लो और गुरिंदर गिल और शिंदा कॉलोनी ये तीनों आए थे, तो इनका शो शायद हैदराबाद में लगा था मेरे ख्याल से, गुड़गांव में मेरे ख्याल से लगा हुआ था। तो वहाँ पे पता क्या बॉलीवुड के स्टार्स भी आए थे, रणवीर सिंह भी आए थे वहाँ पे, आलिया भट्ट भी आई थी वहाँ पे। मतलब देख रहे हो आपकी मतलब यार कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है, मेहनत करी है तो रंग लाए हैं, और
कुछ ही टाइम में भाई, बट लेकिन कुछ ही टाइम में जो ऐसा फैन बेस इनका बना है ना इंडिया से, इतने लोग इनको चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ कि काफी अच्छे अच्छे गाने इनके आ चुके हैं और सारे गाने ऐसे हिट पे हिट जाते हैं, तो यार बंदे खुश हो रखे हैं इनसे, काफी ज्यादा खुश हो रखे हैं। और ये वाला ट्रैक तो मेरे को यार काफी ज्यादा पसंद आया, और मैंने इसको सुन ही लिया था, पहले ही सुन लिया था यार। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा। तो मुझे तो यार बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा, तो आप बताना कि आपको कैसा लगा। और मेरे को ये बताना कि एपी ढिल्लो और गुरिंदर गिल में से आपको कौन ज्यादा पसंद है। तो मुझे तो यार दोनों ही पसंद है, और मतलब शिंदा भी पसंद है भाई, शिंदा भाई भी, तीनों ही पसंद है। ओवरऑल सॉन्ग तो बढ़िया था, अब इसका वेट है कि इसकी वीडियो कब आएगी, और वीडियो चाहिएगी ना वो थोड़ी मतलब यार प्यार जैसी होगी, प्यार वाली, तो देखेंगे वो कैसी होगी मेरे ख्याल से, थोड़ी रोमांटिक में कह लो है ना। बाकी आई होप आपके सॉन्ग पसंद आया होगा, जिस जिसको सॉन्ग पसंद आया, और मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना, और आपने बताया कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो यार, बेल आइकन को भी दबा देना, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर, रब रखा।